पिरोनिस डिजीज क्या है और अगर किसी को हो जाए तो वो क्या करे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे, उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट drarodas.com पे हमने एक खास क्विज डिज़ाइन की है लोगों की मदद करने के लिए, ताकि उनको घर पे बैठे बैठे बहुत आसान तरीके से ये पता लग सके कि क्या उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो वो उसका सही हल ढूंढ सकते हैं वक्त रहते रहते। इस क्विज में गिनती के 5 सवाल हैं। आप जो 5 सवालों के जो जवाब देते हैं, उन जवाबों के हिसाब से आपको रिपोर्ट मिलती है। सो जब आप इन सवालों के जवाब देंगे, सोच समझ के सही जवाब दीजिए, ताकि उसी हिसाब से आपको उसकी टेस्ट की रिपोर्ट मिल सके और उसके हिसाब से आप अपने प्रोफेशनल से मिलकर आप बात कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पिरोनिस डिजीज क्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा पीनिस टेढ़ा हो गया या पीनिस में कर्वेचर है, मगर सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। सो उतना कर्वेचर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है, मीन के पीनिस कई बार इस तरीके के बजाय ऐसे मुड़ा भी हो सकता है, सी शेप में आपकी बॉडी की तरफ भी घूम के आया हो सकता है, या समटाइम्स नीचे की तरफ किसी भी तरफ वो मुड़ा हो सकता है। दैट माइट बी पिरोनिस। अब पिरोनिस क्या होता है, इसमें फाइब्रस प्लैक जमा हो जाता है, स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता होता है, या किसी इंजरी की वजह से, या सेक्स के कुछ गलत पोस्चर्स की वजह से, या किसी भी बाहर एक्सटर्नल चीज़ की वजह से कोई चोट लग गई है, किसी भी रीज़न से पिरोनिस डेवलप हो सकते हैं। अब पिरोनिस का जब कर्वेचर होता है तो उतने कर्वेचर के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्स करना मुश्किल हो जाता होता है। पीनिस पेनिट्रेट करने के पोजीशन में अक्सर नहीं रह पाता, और अगर हो भी सकता है पेनिट्रेट तो उसमें इरेक्शन के टाइम पे दर्द होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। उस स्पेसिफिक जगह पे कुछ गांठ जैसा महसूस हो सकता है, हार्ड महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। सो अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके लिंग में एक खास जगह पे दर्द होता है, या खड़ा होने के बाद पूरे लिंग में कहीं दर्द होता है, या इसमें कर्वेचर है, बिकॉज कर्वेचर इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट पिरोनिस डिजीज, उसमें कर्वेचर है और वो कर्वेचर थोड़े बहुत कर्वेचर जैसा कंसिडर नहीं हो रहा है, वो कर्वेचर अच्छा खासा हो गया, तो उस हालात में आपको किसी अच्छे यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई अच्छे यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर से या सेक्सोलॉजिस्ट से आप मिलके उनसे एटलीस्ट बात कर सकते हैं, और फिर वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस शहर में इधर चले जाइए, यहाँ आपको यूरोसर्जन मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट के लिए आपके सर्जन डिसाइड करेंगे कि उनको कुछ मेडिसिन यूज़ करनी है, या उनको कुछ दवाएँ इंजेक्ट करनी है, या ऊपर से लगाने की कोई दवाई देनी है, या उनको कोई सर्जरी करनी है, या किसी तरीके के कुछ एक्सटेंडर्स यूज़ करने हैं, या वैक्यूम थेरेपी यूज़ करनी है, या आजकल कुछ नए केसेस, कुछ नई स्टडीज आ रही हैं जिसमें शॉकवेव थेरेपी से भी मदद मिल सकती होती है। बट ये आपके यूरोसर्जन ने डिसाइड करना है, आप खुद अपने आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ मुझे तो ऐसे हल निकालना है। नो, यू शुड नॉट लेट योर यूरोसर्जन, लेट योर डॉक्टर डिसाइडेड कि आपके लिए क्या जरूरी है। तब तक के लिए अपने इस पिरोनी को ख्याल रखिए, इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज जब तक आप इसको डिले करते जाएंगे, डिले करते करते ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सो वक्त रहते इसका इलाज करवाइए, इसका सही हल ढूंढिए, ताकि आप भी अपनी सेक्स लाइफ फिर से अपने सीधे और थोड़े कर्व वाले पीनिस के साथ दोबारा से एंजॉय करना शुरू कर सकें। कीप ऑन एंजॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे करीब करीब हर रोज एक नया वीडियो आता है, और उस हर वीडियो का मकसद एक ही होता है कि आपको सेक्सुअल हेल्थ की सही इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।